हेलो दोस्तों। तो यार दोस्तों, मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ, इस जगह का नाम है तिलोड़ी पास सोजा जीबी। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे सारे व्लॉग्स देख लेना। तो यार दोस्तों, आज का दिन है 24 अक्टूबर 2021। ये बहुत स्पेशल दिन है, पता है क्यों? क्योंकि आज है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच। तो आज अगर पाकिस्तान जीती तो हम लोगों के क्या टूटेंगे? दिल। और अगर आज इंडिया जीती पाकिस्तान में क्या टूटेगा? टीवी। तो दोस्तों, मैं तो दिल से चाहता हूँ कि इंडिया जीते यार, ऑब्वियसली दिल नहीं तोड़वाना, पहले तोड़वा चुका हूँ मैं तो। तो अभी मैं आपको ना, जहाँ मैं रुका हूँ, यहाँ के लोग हमें, मतलब जैसे मैं बचपन से पंजाब रह रहा हूँ, शहर में रह रहा हूँ, तो वहाँ के जो क्रेज़ होते हैं वो अलग लेवल है। लेकिन आज पूरा गाँव इकट्ठा होकर हमने एक प्रोजेक्टर लगाया, पूरी स्क्रीनिंग करने वाले मैच की। तो आज मैं आपको इसीलिए व्लॉग शूट कर रहा हूँ ताकि मैं दिखाऊँ कि यहाँ पर कैसे फन होने वाला है। तो अभी मैं आपको लोकल्स के एक्साइटमेंट उनसे सुनवाऊंगा कि उनको कैसा फील हो रहा है। जैसे कि अभी तो मेरे साथ थोड़े टूरिस्ट लोग हैं, विश पीपल, लेकिन मैं आपको गांव वालों से मिलवाऊंगा। तो यार मोनिका और मनाली, आपका क्या कहना है आज के मैच को लेकर? ऑफ कोर्स इंडिया ही जीतेगी। हाँ, इंडिया ही जीतेगी। तुम क्रिकेट देखते हो? इंडियन टीम का कैप्टन कौन है अभी यार? आई डोंट नो, बट इंडिया पाकिस्तान में तो इंडिया को ही जीतना है, चाहे कोई भी हो कैप्टन या प्लेयर्स। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको नीचे गांव वालों से मिलवाता हूँ, उनसे देखते हैं उनकी एक्साइटमेंट किस लेवल तक की है, और आज जो मैच की स्क्रीनिंग है वो हम साथ में देखने वाले हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, मान लाहौल वाला खुद ऐसी ऐसे सवाल मुझसे मत पूछा करो। मोहम्मद है मेरा मिडिल नेम, समझो। हम तो बिल्कुल इंडिया की तरफ है। तो आज ये बता, अगर इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी तो दिल टूटे हुए हैं? टीवी यार, मैं तो क्रिकेट नहीं देखती। अच्छा, तो तुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इंडिया का कैप्टन कौन है? कैप्टन नायब शर्मा। ओ बता। विराट कोहली, अनुराग कश्यप। अच्छा, बिल्कुल क्रिकेट नहीं देखते? नहीं यार। तो तुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है? आज स्क्रीनिंग होने वाली है तो मैच देखने नहीं आएगी? नहीं। बाय यार, थैंक्स फॉर कमिंग टू माय व्लॉग। और ये व्लॉग कल डाल दूंगा मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच के जस्ट बाद, ठीक है? क्यों, पहले क्यों नहीं? क्योंकि आज तो मैच है ना, उसकी स्क्रीनिंग करनी है मुझे व्लॉग में। यू हैड वन जॉब यार। अच्छा ठीक है, हाँ चलो भाई। ओके बाय। दर्शकों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये इनका काम है, ये इन्हें से पैसे कमाते हैं और इन्हें पैसे बिल्कुल नहीं मिल रहे इससे, तो प्लीज। मेरी बात तो मानोगे नहीं, इसी की मान लो। चलो भाई, सुबह दवाई नहीं खाई ना आज? दोस्तों, तो मुझे एक दो दोस्त और मिले हैं, जिसका नाम है जतिन, जिसका नाम है रिजिता, और ये इनसे मैं पूछता हूँ कि आज के मैच की इनको कितनी एक्साइटमेंट है। व्हाट अबाउट यू ब्रो? अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह खुदा जाने खुदा वफा करेगा। अब इंडिया जीतेगा पाकिस्तान? इंडिया। तुम? ओके, आई डोंट नो, बट जलोड़ी में अभी स्नोफॉल हुआ है एंड आई रियली वांट टू गो देयर। दिखा, पुकार दिखा। मैंने बोला था मैच के बारे में मत पूछियो। दोस्तों आप देख सकते हो, मैंने अभी तक चार लड़कियों से पूछा, चारों को मैच में क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो जैसे मुझे कोई लड़की मिलेगी जो क्रिकेट के बारे में बात करेगी, मैं डायरेक्ट शादी कर लूंगा। मुझे दिस इज हॉस्टलर शोजा, आई एम द फ्रंट डेस्क मैनेजर हियर एंड विल स्क्रीन द इंडिया वर्सेस इंडिया पर। तो आज दोस्तों ये 7:30 बजे मिलते हैं, वो है मैनेजर है और इसका नाम है रिजिता। आप कभी भी शोजा वाले हॉस्टलर में हो, इससे अगर नहीं मिले ना तो आपका यहाँ पे स्टे खराब है, और अगर आप कहीं भी आओ शोजा में तो इससे जरूर मिलना। अच्छा ठीक है, हाँ। थैंक्स। और हम तो यहाँ मिल ही जाएंगे आपको, हमारा तो घर है। घर से निकल के कुछ दूर चलते ही रास्ते में है अरे। चलो ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको गांव वालों से मिलवाता हूँ। ये सब तो मेरे दोस्त थे तो इसलिए थोड़ा फन था, अब मैं एक्चुअल में लोगों के व्यूज लेके आता हूँ, ठीक है? Like there are people here who've come leaving their Khir Ganga trek just to watch IPL screening. IPL screening? Yeah, sorry. You had one job. Sorry. World Cup screening. Yeah, was just fun. दोस्तों मैंने बोला है, जैसे मुझे एक genuine लड़की मिलेगी ना, जिसको मैच के बारे में थोड़ा सा भी ऐसा इंटरेस्ट होगा, मैं डायरेक्ट शादी। तो आउट आउट आउट। मैच देखते हो? और मैं जैसे नहीं भी होगा तो इंडिया जीतेगा। हाय हाय, क्या बात है। फिर मजा, कितनी खुशी है आपको कि आज मैच है इंडिया पाकिस्तान? मस्त मस्त। चलो ठीक है, फिर जीतेंगे तो पार्टी? पार्टी तो भाई बाबा देगा, पार्टी बाबा देगा। हाँ। दोस्तों विनू भाई ने बोला अगर इंडिया मैच जीतेगा तो बाबा पार्टी देगा, तो मैं पार्टी दूंगा पक्का। दोस्तों इतने सुंदर मौसम में मुझे पता है क्या मिला? बारिश भाई। बारिश भाई, आज है इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो कितने एक्साइटेड हो आप? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा नहीं, सही वाला बताओ। सही बता रहा हूँ, और क्या। तो ऐसा पूरा दिन निकल गया और थोड़ा ही टाइम रह गया ना, क्या कौन जीतना चाहिए? इंडिया। और कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा। दोस्तों मुझे अभी अभी मिले अनिल भाई। अनिल भाई आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, क्या कुछ कहना चाहते हो? वी आर होपिंग टू विन एंड सी।
मतलब मैच देखते हैं ऐसी सबके साथ देखते हो क्या? फेवरेट प्लेयर बताओ। केएल राहुल एंड विराट कोहली। ओ भाई केएल राहुल बहुत बढ़िया। मेरा मैं अपना लास्ट में बताऊंगा, आप सब भी अपना फेवरेट प्लेयर कमेंट करके बता दो। कल मैं मिलूंगा इंडिया के जीतने के बाद, हमें उम्मीद तो पूरी है। अगर इंडिया हारी तो दिल टूटेंगे, और अगर पाकिस्तान हारी तो क्या टूटेगा सोचो। बड़ा इजी आंसर है। ओह भाई बढ़िया। दोस्तों भाई ने रिकॉर्ड कर लिया इसको। दोस्तों मैं आपको बहुत स्पेशल इंसान से मिलाता हूँ। दोस्तों ये है छोटू भाई, तो ये मेरे को बताओ मैच इसमें कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, मैं दिखाऊंगा आपको। पहले बताओ मैच इंडिया कौन जीतेगा? हाँ तो इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान के ले लेगा। जहाँ पे इस बहुत ही सुंदर मैच की स्क्रीनिंग होने वाली है ना, ऑल क्रेडिट गोज टू दिस गाय। ये अभिषेक भाई है, ये है हॉस्टलर के मैनेजर। और प्लीज बताओ थोड़ा कि आपको ऐसा अच्छा लग रहा होगा ना कि सब इकट्ठे हो रहे हैं हॉस्टलर पे मैच देखने के लिए। हाँ भाई जी अच्छा तो लग रहा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आप देखते हो मैच? हाँ देखते हैं, क्यों नहीं देखते। जिता दे फिर इंडिया को आज। अरे जीतेगी, जिताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही चाहिए था दोस्तों मुझे। गुड, तो आज हम मस्त मैच देखने के बाद पार्टी करने वाले हैं सारे। तो बस अभी मैं प्रोजेक्टर और वो सब लगाने जा रहा हूँ अभिषेक भाई के साथ, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा सेटअप है। दोस्तों मैं किसी को भी रोक के आज कुछ भी पूछ रहा हूँ। तो अंकल आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, देखते हो मैच? क्रिकेट देखते हो? कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगी, कौन जीतेगा? तो ये कह रहे हैं इंडिया जीतेगी। जैसे इंडिया जीतेगी हम सब पार्टी करेंगे। दोस्तों मैच है शाम को 7 बजे 8 बजे, और लेकिन हम अभी टाइम हो रहा है 5:02 हो रहे हैं, और हमारी एक्साइटमेंट देखो, हम बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच भी देख रहे हैं। श्रीलंका ही ना? हाँ। तो यार आपको कितनी एक्साइटमेंट है मैच के आज के? बहुत है भाई। क्या लगता है कौन जीतेगा? इंडिया भाई, और कौन जीतेगा? तो मतलब अगर देखो इंडिया हारती है तो दिल टूटेंगे, और अगर पाकिस्तान टूटते हैं तो क्या टूटेंगे? फटाके फोड़ेंगे, वो टीवी तोड़ते हैं। तो आप क्या कहते हो, दिल टूटेंगे या टीवी? दिल टूटेंगे, मतलब इंडिया हारेगी? दिल कभी नहीं टूटेंगे। पांच बार हम जीत चुके हैं। तो जीतना ही है। आप बताओ हमारे ये मौका तो उसको भी लेना। आप कितने खुश हो आज के मैच के लिए? मैच तो मेरे को इंडिया ही चाहिए। इंडिया चाहिए? हाँ इंडिया। चलो बढ़िया। मतलब फेवरेट प्लेयर बताओ अपना। रोहित शर्मा। दोस्तों भाई का फेवरेट प्लेयर है रोहित शर्मा। मेरे तो यार पूरी इंडिया फेवरेट है, मेरा धोनी है वैसे। तो डबल एक्साइटमेंट हो ही चुकी है क्योंकि वो मेंटर बन के हैं। ये 3 गेस्ट है मेरे जो कि आज खीर गंगा ट्रैक छोड़ के आए हैं हॉस्टलर में, जस्ट बिकॉज़ दे डिडंट वांट टू मिस द इंडिया पाकिस्तान। सच में ऐसे क्या? इंडिया पाकिस्तान मैच ना, देयर इज नो इंपॉर्टेंट थिंग्स देन इंडिया पाकिस्तान द वर्ल्ड कप। खीर गंगा क्या ऑस्ट्रेलिया यूएसए भी छोड़ देंगे क्या बात है, हाई फाइव। तो यार दोस्तों देखा हमने एक्साइटमेंट किस लेवल तक पहुंच चुकी है। ये खीर गंगा का ट्रैक छोड़ के आए हैं क्योंकि आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, और ये व्लॉग ऑब्वियसली कल आएगा मैच के बाद। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम जीतेंगे, और बहुत श्योर होगा रात को जीतने के बाद। तो फिर आप व्लॉग में नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है? हम प्रोजेक्टर लगाने वाले हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसी तैयारियां चल रही हैं। दोस्तों हमने प्रोजेक्टर लगा दिया है, मतलब अभी हम एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखने वाले हैं उसको, फिर उसके बाद वहाँ पे मैथ्स लाएंगे, प्रोजेक्टर ऑन करेंगे, मैं सब दिखाता हूँ। अभी हम पर्दा लगा रहे हैं और ये सब लोग बैठे हैं ऑलरेडी एक्साइटेड। 2 घंटे पहले हम सब यहाँ के बैठ चुके हैं, सब बहुत खुश हैं, बहुत खुश, बहुत मजा आने वाला है। प्रोजेक्टर लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मेहनत देखो मैच के लिए। दोस्तों हम जूझते हुए प्रोजेक्टर सेट करते हुए, इसीलिए हम 1 घंटा पहले ये कर रहे हैं ताकि 7 बजे तक मैच चल जाए और हम टॉस भी मिस ना करें। दोस्तों ये है अनीशा। अनीशा बता, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तुझे कितनी एक्साइटमेंट है? बच गया। दोस्तों मेरी किसी से शादी नहीं होने वाली, एक भी लड़की नहीं मिली है जिसको मैच की खुशी हो, एक्साइटमेंट हो। लास्ट ये बची थी, ये भी गई। तो देखो इंडिया का कैप्टन पता कौन है? बल्लेबाजी करिए क्योंकि मोमेंटम को जारी रखना बहुत जरूरी है।
2000 years later. क्या से क्या हो गया दोस्तों, 30 बोलों में 31 रन रह गए हैं, फिर भी मैं उम्मीद में बैठा हूँ इंडिया जीतेगी, देखते हैं। खत्म दोस्तों, पर एक सच बात बताऊँ, पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है। अगर एज अ क्रिकेट फैन बोलूँ तो मज़ा आया, पर अगर एज ए इंडियन फैन बोलूँ तो आई एम सो सॉरी। और मुझे पता है मुझे बहुत गालियाँ पड़ने वाली है इस व्लॉग के अंदर नीचे कमेंट्स में, लेकिन मैं तो भी कह रहा हूँ पाकिस्तान तुम अच्छा खेले तो मैं कंग्रेचुलेशंस। और जिन भाइयों का मेरी तरह दिल टूटा है, क्या कर सकते हैं, हम गाने गाएंगे, गाने सुनेंगे। तो ये था आज का दिन, बहुत अच्छा दिन गया। बस लास्ट में मैच, अगर हम जीत जाते खुशी होती, पर अब जीत नहीं पाए तो कोई बात नहीं, सहलेंगे थोड़ा। मिलते हैं दोस्तों अगले मैच में, अगले व्लॉग में। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगर आपकी टीम जीती है तो भी मुझे प्यार देना। अगर हमारी इंडियन, हम तो इंडियन हैं, हम तो एक दूसरे को गाली देते नहीं, तुम भी प्यार देना, लाइक कमेंट शेयर कर देना। अभी क्या यहाँ पे कोई लोग होते हैं, मैं उनसे मिलवाता, कोई है ही नहीं, मैं क्या करूँ। बाय दोस्तों, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है।